मत हो मायूस जिंदगी से अपनी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, इरादे हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, आज है 25 जुलाई, स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आप सबको पता ही है डेली मॉर्निंग में 4:30 पर स्पेशल करंट अफेयर्स शो मैं आपके लिए लेकर आता हूं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, आप मॉर्निंग में 10 मिनट का टाइम जरूर निकाला करें, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है 10 मिनट में लगभग मैं 50 से 60 GK क्वेश्चन, स्टैटिक GK क्वेश्चन कवर करता हूँ इसी में, ठीक है। तो वीडियोस को ध्यान से देखा करें और नोट डाउन जरूर करते चले, मैं आपको डेली करता हूँ शॉर्ट नोट्स बनाए, ताकि आपको एग्जाम में एग्जाम टाइम पे रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो है उसको जरूर ऑन कर लें, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट्स और ईमेल करते, सर मुझे डेली मॉर्निंग में इसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप जरूर चेक कर लें दोस्तों नोटिफिकेशन बेल ऑन कर रखी है नहीं, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो को एक लाइक फटाफट कर दीजिए दोस्तों, एक लाइक, आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, जितने लाइक करते हैं उतना हमें मोटिवेशन मिलता है। फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आप कोई हेल्प करना चाहते हैं, तो हमें सपोर्ट आप शेयर करके, शेयर का बटन दबा के सपोर्ट कर सकते हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एक काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस देश ने कार्बन टैक्स की शुरुआत किया है। कार्बन टैक्स की शुरुआत की दोस्तों साउथ अफ्रीका ने, ठीक है, साउथ अफ्रीका। देखिए दोस्तों, साउथ अफ्रीका जो है क्या होगा, कार्बन टैक्स प्रदूषण पर नियंत्रण करने का एक साधन है ये, जिसमें क्या होगा दोस्तों, कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर जो जीवाश्म ईंधन है उसके उत्पादन, वितरण और यूज़ पर जो इसमें फीस लगाई जाएगी, ओके। देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साउथ अफ्रीका ने टैक्स कब लागू किया था, तो ये लागू किया गया था 1 जून 2019 से, ठीक है, 1 जून 2019 से साउथ अफ्रीका द्वारा कार्बन टैक्स की शुरुआत की गई थी, ओके। देखिए दोस्तों, साउथ अफ्रीका से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, सबसे महत्वपूर्ण तो यहाँ पे राजधानियाँ जो हैं, यहाँ की तीन कैपिटल्स हैं साउथ अफ्रीका की। देखिए आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता चलिए बता देता हूँ। देखिए एग्जीक्यूटिव जो राजधानी है यानी कार्यपालिक राजधानी है वो है प्रिटोरिया, और जो जुडिशियल राजधानी है यानी कि न्यायिक राजधानी है वो है ब्लूमफॉन्टेन, और जो लेजिस्लेटिव राजधानी है यानी कि विधायी राजधानी है वो है केप टाउन, ओके। तो तीन कैपिटल्स आपको याद रखने हैं। पूछ लेता है कि जैसे जुडिशियल राजधानी क्या है, लेजिस्लेटिव, तो आपको अब पता चल गया, ठीक है। देखिए और सबसे महत्वपूर्ण, वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका का वर्तमान प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, ओके। देखिए करेंसी क्या है यहाँ की साउथ अफ्रीका की, तो वो है रैंड, ठीक है। तो किस देश ने कार्बन टैक्स की शुरुआत की है, साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट किया है, ओके फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हिंदी रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो हिंदी रत्न पुरस्कार के लिए दोस्तों किसको चुना गया है, राम बहादुर राय को। देखिए जो पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, जर्नलिस्ट के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में। देखिए जो फेमस एक पत्रकार है दोस्तों राम बहादुर राय, और ये जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष भी हैं, तिनको जो है सम्मान के लिए चुना गया है, ओके। देखिए दोस्तों ये जो पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में क्यों दिया जाता है और किसकी स्मृति में दिया जाता है, तो ये देखिए ये दोस्तों प्रख्यात एक जर्नलिस्ट थे पंडित भीमसेन विद्यालंकर, पंडित भीमसेन विद्यालंकर की स्मृति में याद में सम्मान दिया जाता है, ओके। तो ये कब दिया जाएगा, 1 अगस्त को दिया जाएगा, ठीक है, 1 अगस्त को ये पुरस्कार दिया जाएगा उनको। इसके तहत 1,00,000 रुपये की धनराशि और साथ में प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा, ओके। तो प्रतिष्ठित हिंदी रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, फेमस जर्नलिस्ट राम बहादुर राय, जो कि वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों मैं सोच रहा हूँ आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो भी रिसेंटली अवार्ड मिले हैं वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हाल ही में एक अवार्ड दिया गया था ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 2018-19 के लिए किसे चुना गया था, तो एशिया वन एक मैगजीन है उसके द्वारा यह पुरस्कार जो ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर दिया गया था हेमा दिवाकर को, ठीक है, हेमा दिवाकर को दिया गया था ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 2018-19 दुबई में, ओके। नेक्स्ट जो हमारा अभी वो है, देखिए प्रतिष्ठित मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किससे मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आपको याद रखना, जोखा अलार्थी को मिला था, ठीक है, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जोखा अलार्थी को, ठीक है। देखिए अभी दोस्तों अगला जो है हमारा बता रहा हूँ उसको ध्यान से नोट कर लीजिए, ससाकावा पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, तो ससाकावा पुरस्कार दिया गया प्रमोद कुमार मिश्रा को, ठीक है, प्रमोद कुमार मिश्रा को दिया गया है। किस लिए दिया गया है, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है, ससाकावा पुरस्कार प्रमोद कुमार मिश्रा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट अगला है जो सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार,
तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो आपको पता होगा विराट कोहली, अपने कैप्टन विराट कोहली को मिला है। और इसमें जो इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है वो मिला है स्मृति मंधाना को। तो ये दो फैक्ट, यहाँ से दो क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का याद रखना है। ओके चलिए, तो याद रखेंगे प्रतिष्ठित हिंदी रत्न पुरस्कार राम बहादुर राय को दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, उससे फटाफट इस वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों आज आपको मैं एक इंपॉर्टेंट जो है जरूरी सूचना बता दूं, देखिए आज 3 बजे दोस्तों मैं एक जो पिछले एक साल के अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, वो एक वीडियो तैयार की जा रही है, ठीक है। तो पिछले एक वर्ष के अवार्ड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें लगभग आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन कवर छूटेगा नहीं। तो आप उस वीडियो को 3 बजे आज दोपहर में जरूर देख लें, फटाफट जरूर देखेंगे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी और ईमेल की थी, इसलिए वो वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो टाइम याद रखिएगा 3 बजे। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CBDT ने 24 जुलाई 2019 को कौन सा दिवस मनाया है? CBDT क्या होता है दोस्तों, CBDT का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने दोस्तों 24 जुलाई 2019 को कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो स्थापना दिवस मनाया 159वां, ठीक है। अब ये 24 जुलाई को क्यों मनाया जाता है दोस्तों, तो इसके पीछे क्यों मनाया जाता है ये, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए तो जेम्स विल्सन जो है दोस्तों, ये भारत में पहली बार बजट पेश किए थे 24 जुलाई 1860 को। भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था 24 जुलाई 1860 को, ठीक है। तो ये जो है तब से 24 जुलाई को CBDT दिवस मनाया जाता है, ठीक है, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर दिवस मनाया है, 159वां आयकर दिवस मनाया है, इनकम टैक्स डे, ठीक है। तो याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे CBDT की बात करें, देखिए CBDT के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्तमान में चेयरमैन है प्रमोद चंद्र मोदी, CBDT के चेयरमैन है प्रमोद चंद्र मोदी। CBDT का फॉर्मेशन कब हुआ था, गठन कब हुआ था, 1944 में। और भारत का पहला बजट जो स्वतंत्र आज़ादी से पहले पेश किया था जेम्स विल्सन, सर जेम्स विल्सन नाम है उनका। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है, और 24 जुलाई 1860 को, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो 159वां जो है दिवस मनाया गया हाल ही में CBDT ने, आयकर दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में ICC द्वारा जारी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन है? तो ICC द्वारा अभी हाल ही में टेस्ट बैट्समैन की रैंकिंग जारी की, उसमें नंबर 1 पर कौन है? तो विराट कोहली बने हुए हैं, ठीक है, नंबर 1 पर विराट कोहली हैं। और दूसरे नंबर पर कौन है, तो न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है केन विलियमसन नंबर 2 पर है। थर्ड नंबर पर है चेतेश्वर पुजारा, ठीक है। और बात करेंगे टीम रैंकिंग की, तो टेस्ट में टीम नंबर 1 टीम कौन सी है, तो भारत ही है नंबर 1 पर, और 2 नंबर पर है न्यूजीलैंड, और 3 नंबर पर है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और ODI के बारे में बात करें, देखिए ODI रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन कौन है, तो वही विराट कोहली है। टेस्ट और ODI में दोनों में विराट कोहली है। 2 नंबर पर ODI पर कौन है, रोहित शर्मा है। और 3 नंबर पर है बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के हैं, ठीक है। और बॉलर्स की बात करें, देखिए टेस्ट में अगर हम बॉलर्स की बात करें, टेस्ट में बॉलर नंबर 1 पर कौन है, टेस्ट में बॉलर नंबर 1 पर हैं पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं। और ODI में बॉलर नंबर 1 रैंकिंग कौन है ICC में, तो वह जसप्रीत बुमराह। ODI में नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंडिया के, ठीक है। चलिए तो कन्फ्यूज मत होइएगा, नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ICC के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, हालांकि मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, तो हालांकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। देखिए ICC की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1909 में ICC की स्थापना की गई थी। वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो वर्तमान चेयरमैन है शशांक मनोहर। और CEO कौन है, मनु साहनी है CEO, ओके। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई UAE में, संयुक्त अरब अमीरात दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो ICC टेस्ट बल्ले बैट्समैन की रैंकिंग में नंबर 1 पर है विराट कोहली, और ODI में भी नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो जो मुख्य कोच दोस्तों बनाया गया है भारतीय टेबल टेनिस का, तो ये कनाडा के हैं देजन पापिक, कनाडा के हैं, ठीक है, देजन पापिक। इनको भारतीय टेबल टेनिस का मुख्य कोच जो है बनाया गया है, ओके फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा, हाल ही में सोनाली नामक जूट फाइबर किस देश में विकसित किया गया है? तो हाल ही में सोनाली नामक जूट फाइबर विकसित किया गया है बांग्लादेश में। देखिए बांग्लादेश के जो साइंटिस्ट है दोस्तों, इन्होंने सोनाली नामक एक जूट जो है विकसित किया है। इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए ये जो सोनाली नामक जूट है, ये इसको इको फ्रेंडली बनाया गया है, यानी कि जो पॉली बैग है उसका यूज जो किया जाएगा कपड़े और फूड पैकेजिंग में यूज़ किया जाएगा, ठीक, कपड़े और फूड पैकेजिंग में,
जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं रहेगा। ओके, तो ये सोनाली नामक जूट साइंटिस्ट ने विकसित किया है, इसका यूज किया जाएगा पॉलीबैग के रूप में, इको फ्रेंडली रहेगा ये। बात करें अगर यहाँ पे दोस्तों बांग्लादेश की, देखिए बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका है, और बांग्लादेश की जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। बांग्लादेश की करेंसी की बात करें तो बांग्लादेश करेंसी क्या है, बांग्लादेशी टका, ठीक है, टका यहाँ की करेंसी है। सोनाली नामक जूट फाइबर बांग्लादेश ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा हाल ही में नाम मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है। देखिए ये NAM, ये क्या है नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो आयोजित की गई वेनेजुएला के काराकस में, ठीक है, वेनेजुएला के काराकस में गुट निरपेक्ष आंदोलन की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। ओके, और इसमें भारत की तरफ से दोस्तों किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो भारत के जो संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। देखिए दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो इसका पूछा जाता है कि इसका पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था और कब स्थापित हुआ था, तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, इसकी स्थापना भी इसी टाइम की गई थी 1961 में, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की थी दोस्तों, देखिए तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति कमाल अब्दुल नासिर, और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिफ बरोड टीटो, इन्होंने जो है मिलकर इसको स्थापित किया था, ठीक है, शुरुआत की थी। तो शॉर्टकट में बोलते हैं देखिए दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी नेहरू, नासिर और टीटो, ठीक है, तीनों लोगों ने शुरुआत की थी। ओके, अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि नेक्स्ट जो समिट होगी यहाँ, इसकी जो हेड स्टेट्स की समिट होगी वो कहाँ पे होगी, तो होगी दोस्तों बाकू अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान बाकू में होने वाली है नेक्स्ट जो समिट होने वाली है। ये तो मंत्री स्तरीय समिति है, लेकिन इसकी जो बात करें कि हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की जो होगी समिट नॉन अलाइन मूवमेंट की, वो होगी अजरबैजान बाकू में, ठीक है। तो मंत्री स्तरीय बैठक हुई है वेनेजुएला काराकस में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में दोस्तों पेंटागन प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पेंटागन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया किसको, मार्क एस्पर को। मार्क एस्पर को पेंटागन प्रमुख के रूप में, चीफ के रूप में नियुक्त किया गया। ये पेंटागन क्या है दोस्तों, पेंटागन क्या है, देखिए दोस्तों पेंटागन जो है ये जो US का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसका है यहाँ पे, ये हेडक्वार्टर है यहाँ पे, ठीक है, द पेंटागन में, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। उसी पेंटागन में जो US का डिफेंस डिपार्टमेंट है इसी पेंटागन में है, ठीक है। तो इनका जो चीफ नियुक्त किया गया है मार्क एस्पर को बनाया गया है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जो वर्तमान में अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है, माइक पोम्पियो हैं, और डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है ये US के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में बंगाल ओपन स्क्वैश खिताब किसने जीता है। देखिए दोस्तों हाल ही में बंगाल ओपन स्क्वैश खिताब जीत लिया है अभय सिंह और तन्वी खन्ना ने। देखिए अभय सिंह ने जीता है मेंस में और तन्वी खन्ना वोमेंस में, ठीक है, तो इसको आपको दोनों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का आंसर फटाफट से। हाल ही में किसे राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव ग्रुप में नियुक्त किया गया है, अजय भादुर राइट आंसर था। आज का क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, कौन ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जय हिंद जय भारत। और दोपहर में आज 3 बजे वो वीडियोज़ देखना बिल्कुल ना भूलें जिसमें कि पूरे अवार्ड आपको कवर किए गए, ठीक है, ध्यान से देखें। चलिए।